Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you continuity of a function. Bachche, this is the second class of this chapter. So in this we will see some examples. So bachche, before starting this video, आप एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए है सो प्लीज कमेंट बॉक्स पर आप मुझे टॉपिक का नाम लिखकर सेंड कर दीजिए. ओके, सो मैं उस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर दूंगी. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल. एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है. और अब आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर क्वेश्चन. सो बच्चे, जिन भी बच्चों ने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, प्लीज जाकर वो क्लास देख लीजिए. मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी. वो बच्चे कंसेप्ट क्लास है, आप उसे जरूर अटेंड कीजिए ताकि सेकेंड क्लास आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए. ठीक है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले पढ़े हुए हैं सारे इस वीडियो पर यूज होने वाले हैं. सो स्टूडेंट, लेट सी हियर. एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास दैट यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए इन योर क्वेश्चन. ओके, सो बच्चे, जैसे हमने पहले देखा था हमारे कंसेप्ट क्लास में कि ए आपको वैल्यू चाहिए होगी और ए वैल्यू आपको दी होगी किस पर, आपकी क्वेश्चन पर. ओके, सो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी है बच्चे, -2, और एक्स के लिए पर्टिकुलर वैल्यूज दी गई है -1/2 एंड -1/2. ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पर देख लीजिए कंडीशन क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू -1/2 है तो आपको फंक्शन की वैल्यू -2 मिलेगी. ठीक है, ये एक आपको उसने क्या दे दिया है, वैल्यू फाइंड आउट करके दे दिया है कि जैसे ही आप एक्स की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू -2 मिलेगी और यही आपका ए कहलाएगा. ठीक है, जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्लास देखी होगी उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ए क्या है. ठीक है, नाउ आप यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, -1/2 अगर नहीं है तो ये फंक्शन आपको दिया गया है. ठीक है, सो लेट स्टार्ट, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो बच्चे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है. ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये फंक्शन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका फॉर्मेट, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट आपको यही चीज दे दी जाएगी कि f -1/2 इज इक्वल्स टू -2, ये फंक्शन है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 है और यहाँ पर आपकी a की वैल्यू -2 है. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे आगे आपको, है ना, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए. ओके, नाउ fx की वैल्यू क्या है, आपका ये फंक्शन आपका fx है. ओके, सो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है कि हमें x इज इक्वल्स टू -1/2 पे सार्थकता की जांच करना है, मतलब कि कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है फंक्शन की x इज इक्वल्स टू -1/2 पे. ओके, सो लेट स्टार्ट. बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बता कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया है कंसेप्ट क्लास पे, जिनमें बच्चों ने नहीं देखा है यहां समझ में आ जाएगा बच्चे, पर पूरा कंसेप्ट देखने के लिए प्लीज आप इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना. नाउ देखिए, लिमिट जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सो हम यहाँ पर माइनस से डिनोट करते हैं लिमिट को. ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमारी लिमिट दी है एक्स टेंस टू -1/2 एफ एक्स. ओके, और जब लिमिट में हम फंक्शन यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ. ये यहाँ पर देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं बता देती हूँ. लिमिट एच टेंस टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म इज एफ ए माइनस एच. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच. ओके, अब यहाँ पर ए की प्लेस पे क्या है बच्चे, -1/2 दिया गया है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर -1/2 लिखा है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव. सो हम अपने फंक्शन को रखेंगे बच्चे, फंक्शन क्या है, ए 4x² -1/2x+1. ओके, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा टर्म x की प्लेस पर है, देख सकते हैं ना,
ये पूरा टर्म क्या है, x की प्लेस पे है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया गया है, हम इस x की प्लेस पर ये वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पूरा फंक्शन x की प्लेस पे है। तो हम इस फंक्शन पर x की प्लेस पर ये फंक्शन की वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर की है। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव। अब हमने कुछ नहीं किया है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, एंड यू ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, सो जस्ट सॉल्व इट आउट। आफ्टर सॉल्विंग दिस, दिस माइनस वन एंड दिस प्लस वन विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, एंड फोर एच कॉमन आएगा, एंड अंदर क्या आ जाएगा, वन प्लस एच, दिस will be cancelled out, and what will be the remaining term is minus 2 1 plus h, और जैसे ही आप h की value 0 put down करेंगे यहाँ पर, so you get the value minus 2, so this is the value for the left hand limit, ठीक है, हमने left hand limit निकाली है, left hand limit की value क्या आई है हमारी, minus 2, ठीक है। अब हम right hand limit निकालेंगे, तो बच्चे जब मैंने कंसेप्ट क्लास बताई थी तब ये चीज बताई थी कि तीन से चार कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशंस तो यही होती है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और हमारी राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों ही लिमिट हमारी ए की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू से मैच कर गई ये दोनों लिमिट, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप देखिए कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट तो ए की वैल्यू से क्या कर रही है, मैच कर रही है, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस टू दी गई है इन योर क्वेश्चन, माइनस टू दी गई है, और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी माइनस टू आई है। ओके, तो हम यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करेंगे, हम अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ए से मैच नहीं करती तो हम आगे इसे सॉल्व नहीं करते, और यहाँ पर ही हम क्या कर देते बच्चे, स्टेटमेंट लिख देते कि लिमिट्स आर नॉट सेम, दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। बट यहाँ पर लिमिट मैच कर रही है हमारी लेफ्ट हैंड, इसलिए हम राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मेट क्या है, लेट्स सी हियर। जैसा हमने किया है वैसा ही सिमिलर है, बट इसका फॉर्मेट बस चेंज हुआ है। जब भी हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ प्लस नोटेशन रहता है, वैसे ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगेन मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस h। वहां पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर a माइनस h था, वेयर इज दिस इज, ओके, सो यहाँ पर a माइनस h था, यहाँ पर a प्लस h है राइट हैंड लिमिट। ओके, नाउ अगेन यहाँ पर a की वैल्यू है माइनस वन बाय टू, यहाँ पर x की प्लेस पे दिया है माइनस वन बाय टू प्लस h। अगेन हम फंक्शन की जगह पर अब x की वैल्यू रख देंगे माइनस वन बाय टू प्लस एच, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ था, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट। नाउ लेट्स सी, इसे आपको सॉल्व करना है, हमने इसको माइनस प्लस को सिर्फ अरेंज किया है, प्लस वाली टर्म पहले लिखी है, माइनस वाली लास्ट में, दैट्स इट। ओके, सो x की प्लेस पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए आपके दिए गए फंक्शन पे, एंड वॉट इज फंक्शन, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। ओके, सो यहाँ पर आप लिख दीजिए x की प्लेस पर ये वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए, एंड जस्ट सॉल्व इट आउट। अगेन यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया बच्चे, एंड जो भी वैल्यूज कैंसल्ड आउट हो रही हैं जस्ट कट इट आउट। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दी वैल्यूज यू विल गेट माइनस टू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट। ओके, ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है माइनस टू। तो जैसा हमने देखा हमारी फंक्शन में वैल्यू दी थी ए की माइनस टू, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई माइनस टू, एंड हमारी राइट हैंड लिमिट आई माइनस टू, मतलब कि सारी ही वैल्यू सेम है तो हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारी राइट हैंड लिमिट, और हमारा दिया गया फंक्शन एफ ए, दिस इज एफ ए। ओके, सो दिया गया फंक्शन तीनों की वैल्यूज क्या है, माइनस टू है, हेंस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, सो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस प्रूफ होता है। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन।
बच्चे देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको इस टाइप के फॉर्मेट में दिया था, यहाँ दो वैल्यूज दी गई थी, बट आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. सो लेट सी हियर, शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू वन मॉड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो लेट सी हाउ वी विल सॉल्व. यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या दी है, प्लस सॉरी एक्स की लिमिट क्या दी है, वन. ओके, सो x की लिमिट 1 दी है, तो हमने यहां पर पुट डाउन किया है x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h, क्योंकि फॉर्मेट यही होता है जब भी हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, है ना. तो अब हमारा फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस h या a माइनस h, यही फॉर्मेट होता है ना. तो a की प्लेस पर क्या दिया है, क्या दिया है a की प्लेस पे, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है. अगर आपको लिमिट के फॉर्म पे दिया है और x की लिमिट क्या दी है, x की लिमिट में जो भी वैल्यू दी है वही आपका a की वैल्यू होगी. ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है, 1 रखा है. ओके, नाउ अब हमें पता है कि पूरे x की प्लेस पे क्या दिया गया है आपको, 1 प्लस h. यहाँ पर मैंने माइनस और प्लस कुछ भी नोटेशन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉड दिया गया है आपके क्वेश्चन पे. ठीक है, अगर मॉड नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर माइनस प्लस नोटेशन देते. ओके, नाउ लेट सी. अब देखिए पूरे x की प्लेस पे क्या दिया गया है, 1 प्लस h. दैट्स वाई x की प्लेस पे यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से जो मैंने लिखा है, x की प्लेस पे लिखा है 1 प्लस h. ओके, नाउ अगर हमारा x टेंस टू 1 है, सो h टेंस टू 0, ये कैसे निकाला. देखिए यहाँ पर x टेंस टू 1 है, अब ये पूरी इक्वेशन देखिए, यहाँ x इज इक्वल टू 1 प्लस h में अगर आप x की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, पुट करके देखिए, x की जगह पर 1 पुट किया, 1 की जगह पर 1 है और प्लस h, दिस प्लस एंड दिस 1, दिस 1 दिस 1 विल बी गिव यू 0. ओके, कैसे, यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको अलग से. देखिए ये दिया है ना, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x की जगह पे 1 पुट किया, 1 प्लस h, इस 1 को इधर ट्रांसफर किया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू h, मतलब कि h इज इक्वल टू 0, यही मिला ना. और यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि यदि x इज इक्वल टू 1 होगा तो h इज इक्वल टू 0 होगा. ओके, नाउ लेट सी. अब यहाँ पर 1 प्लस h, इसको हम माइनस और प्लस फॉर्म में क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर मॉड दिया गया है. इस मॉड को हटाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है. जैसे ही आप मॉड हटाएंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी, एक माइनस में मिलेगी एक प्लस में मिलेगी, पर इसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी. क्या, अगर हमारा h इज लेस देन माइनस वन, अगर हमारा h लेस देन माइनस वन होगा तो कंडीशन ये होगी कि हमारा पूरा फंक्शन माइनस पे होगा. अगर h ग्रेटर देन माइनस वन होगा या इक्वल देन माइनस वन होगा तब हमारा फंक्शन 1 प्लस h होगा. ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, आप रख के देखिएगा. h की कोई भी वैल्यू यहां पर रख के देखिए जो कि माइनस वन से छोटी हो तो आपको हमेशा यही वैल्यू मिलेगी, और अगर आप h की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख के देखिए तो आपको यही मिलेगा, आपका फंक्शन जो है इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी. ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने h की वैल्यू सॉरी लेस देन 1 रखी, मतलब कि जैसे हमने यहाँ h की वैल्यू माइनस 2 रखी, तो आप देखिए 1 माइनस 2 विल गिव यू माइनस 1, तो आपके फंक्शन की वैल्यू माइनस पे आई ना, दैट्स वाई हमने यहाँ पर माइनस रखा है. ठीक है, और जैसे ही आप h ग्रेटर देन 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमने इसी बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया है. ओके, नाउ लेट्स मूव. अब यहां पर देखिए व्हेन हमें दो कंडीशंस हैं, जैसा कि लेस देन और ग्रेटर देन वाली, तो हम एक एक कंडीशंस के लिए वैल्यूज यहां पर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो जैसे कि एच इज लेस देन माइनस वन है, एच इज लेस देन माइनस वन है, देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस वाला टर्म लेंगे हम. ओके, क्योंकि माइनस के लिए हमने निकाला है, लेस देन माइनस वन के लिए, दैट्स वाई ये वाली टर्म लेंगे. ओके, नाउ हम h की जगह पर आप यहां पर पुट डाउन करने वाले, ये माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है ये वाले स्टेप पे, एंड अगर हम h इज इक्वल्स टू h टेंस टू माइनस जीरो है कंडीशन, तो जैसे ही आप h की जगह पर जीरो पुट डाउन करेंगे सो माइनस वन ही आएगा, है ना. यहां पर देखिए इस पूरे फंक्शन पे, इस पूरी इक्वेशन पे आप जैसे ही h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे यू विल गेट माइनस वन, एंड दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. ओके, नाउ सेकेंड वाली कंडीशन भी ऐसे ही फुलफिल करेंगे बच्चे. हमारा ग्रेटर देन माइनस वन है ये वाली कंडीशन, जैसे ग्रेटर देन माइनस वन है उसके लिए वन प्लस एच था,
सो लेट सी हियर, यहाँ पर ग्रेटर देन माइनस वन है. ग्रेटर देन यहाँ पर देखिए एच ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल देन माइनस वन के लिए ये वाली कंडीशन है. कैसे आई है ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर रखा है एज इट इज. ओके, नाउ जैसे ही आप एच की वैल्यू जीरो रखेंगे यू विल गेट वन. अब देखिए दोनों ही वैल्यूज चेंज है, यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ पर वन मिला, तो क्या ये फुलफिल हो रही है कंडीशन? और हमारा ए की वैल्यू क्या थी बच्चे? वन थी, ठीक है, तो वन माइनस वन वन, तो तीनों ही वैल्यूज डिफरेंट है. That's why हम क्या करेंगे, ये हमारा does not exist वाली ही कंडीशन है, क्योंकि ये फुलफिल हुई नहीं है, है ना, हमारी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई है, तीनों वैल्यूज अलग अलग है. ओके, सो दीज आर टू क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दिखाए हैं. आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स. ओके, जब तक आप सारे ही अपने बुक्स के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है सो प्लीज आप क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, ठीक है. सो कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट, और कोई भी नया चैप्टर अगर आपको पढ़ना है सो उसका भी आपको टॉपिक मुझे लिखकर भेजना है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग.